अगले सेशन के लिए हम तैयार हैं. डाइंग फार्मर एंड अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. ईश्वरदास रोहानी जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर साहब, बहुत बहुत स्वागत भारतीय छात्र संसद के मंच पर सर. राजू शेट्टी जी, फार्मर लीडर सांसद. पाशा पटेल जी, किसान नेता और पूर्व विधायक. श्री मंगेश सांगले. पद्माकर वल्वी जी, राहुल कराड़ साहब, आप सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत है. और सबसे पहले हम अपने इस मंच से इन सब मेहमानों का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ पद्माकर वल्वी जी, राहुल जी, आज के सेशन के हमारे अध्यक्ष और मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर महोदय माननीय ईश्वरदास रोहानी जी का हम यहाँ स्वागत सत्कार करेंगे. हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता किसान नेता सांसद श्री राजू शेट्टी जी हमारे साथ हैं. हम उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन करेंगे. भारतीय छात्र संसद के मंच पर स्वागत और अभिनंदन तालियों के बिना पूरा नहीं होता. हमारे दूसरे मुख्य वक्ता किसान नेता और एमएलसी श्री पाशा पटेल जी, हम उनका भी यहां भारतीय छात्र संसद के मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारे साथ यहां विक्रोली से एमएनएस विधायक श्री मंगेश सांगले जी भी मौजूद हैं. हम उनका भी स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं. युवा छात्र नेता को आमंत्रित करूंगी मैं अपने विचार रखने के लिए. प्रणय अजमेरा हमारे साथ हैं. प्रणय अजमेरा, उनसे गुजारिश आए और आज के विषय पर अपने विचार रखें. MIT के सगड़े पदाधिकारी और आने वाले समय के विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल महोदया और महोदय, आज मौका मिला है अपने विचार रखने का डाइंग फार्मर एंड ग्रोइंग इकोनॉमी ये विषय पर. अपने विचार हिंदी में रखना चाहूँगा क्योंकि आज मैं जानता हूँ कि हमारी फेसबुक जनरेशन, यंगिस्तान जनरेशन, BBM जनरेशन अंग्रेजी में की गई बातों को महत्व देती है, पर दुर्भाग्यवश हमारे देश का गरीब किसान अंग्रेजी नहीं समझता. हमारे देश का कि गरीब किसान ना अंग्रेजी समझता है, ना अंग्रेजी में लिखी हुई वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और मॉर्टगेज की बातें, जिसमें एक बार हस्ताक्षर करने के बाद वह उनके जागीरदारों का जीवन भर के लिए गुलाम हो जाता है. मुद्दा दिया गया है डाइंग फार्मर ग्रोइंग इकोनॉमी. इट्स जस्ट नॉट डाइंग फार्मर माय फ्रेंड्स, इट्स डाइंग एग्रीकल्चर एज वेल. पिछले कई आंकड़े उठा के देखिए, किताबें खोलिए कानून की, पता चलेगा कि कितने किसानों ने कितने सालों में किसानी करना छोड़ दी है. उन्होंने अपना यह पुश्तैनी धंधा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है. इस मुद्दे के ऊपर कई सारी सिनेमाएं भी आई, पिपली लाइफ, गोस छोटी डोंगरा, FG किसान और नाजे ने कितनी सिनेमाएं आके गई. राहुल सर, मैं बतलाना चाहूंगा आपको कि जितनी भी सिनेमाएं आई है सबको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े अवार्ड मिले, पर क्या मिला हमारे किसान को? राजू शेट्टी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, शेट्टी साहब, हमारे किसान को कुछ नहीं मिला. हमारे किसान को मिला तो सिर्फ वादे, और वह वादे की राह देखते देखते आज भी त्रस्त है. मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो पूरे विश्व में किसान आत्महत्या के लिए फेमस है, एक्चुअली इनफेमस है. जी, मैं गोंदिया से आता हूं जो विदर्भ में आता है. मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे विदर्भ के अखबारों में कोई ऐसी खबर छपी हो जिसमें लिखा गया हो कि हमारे किसी किसान के बच्चे ने कोई बहुत बड़ी प्रगति की, कोई बहुत बड़ा काम किया. पर मैं ये रोज पढ़ता हूं, एक्चुअली पढ़ता था आज से 3-4 साल पहले तक,
कि आज इतनी जगह पर इतने किसानों ने आत्महत्या की, इतनी जगह पर इतने किसानों ने फिनाइल पिया और ना जाने क्या क्या किया। पर कुछ दिनों बाद जब मैं देखता हूं कि यार मीडिया में तो ये खबरें आना बंद हो गई, किसानों के संगठन चलाता हूं तो किसानों की संगठन के लिए खबर लेने के लिए मैं एक संपादक से संपर्क किया कि भाई साहब एक जगह पे 15-15 किसान एक दिन में आत्महत्या कर रहे हैं, ये खबर मीडिया में आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले क्या चल रहा है। मंच पर बैठे सभी सम्माननीय अतिथियों को मैं बतलाना चाहूंगा कि उस संपादक ने मुझसे कहा कि प्रणय अजमेरा, इन अवर कंट्री इफ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज नॉट अ न्यूज, बट इफ मैन बाइट्स अ डॉग देन इट इज अ न्यूज। यह वह चीज थी जिसके मैं चौक पड़ा। उन्होंने मुझसे बताया कि ये किसान आत्महत्या रोज की बातें हो गई, अब हम इसको छापना जरूरी नहीं समझते, पर आप आए हैं तो एक कॉलम जरूर शुरू करने का विचार करेंगे जिसमें रोज कितने किसानों ने कहां का आत्महत्या की वो हम छापेंगे, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का कॉलम होता है वैसे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइज इन GDP, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्रोडक्शन, यह चार कैरेक्टरिस्टिक्स में पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ समाती है। लो इन्फ्लेशन रेट भी इसमें मान लिया जाता है, यह मेन फैक्टर नहीं है, पर आज इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जमीन पर जा रही है, महंगाई त्रस्त है, महंगाई से इंसान त्रस्त है, और हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ढोल बजा रहे हैं। बिना बारिश बहार नहीं होती, सूरज ढले बिना शाम नहीं होती, करना है विकास देश का तो किसान से शुरू करना होगा, क्योंकि तीसरी और चौथी मंजिल से इमारत खड़ी नहीं होती। किसान के लिए कई स्कीमें आती है, योजनाएं आती है जो उस तक पहुंचती नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान को 1,00,000 रुपए सरकार मुआवजा में देती है, जिसे तहसीलदार से लेने के लिए उसे 15,000 से 20,000 रुपए की रिश्वत खिलानी पड़ती है। किसी किसान का मुद्दा लेकर मैं एक तहसीलदार के पास गया तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब आप बड़े शहर की बड़ी अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ते हैं, आपको कायदा कानून क्या समझता है। मैंने उनसे कहा, तहसीलदार साहब मैं भले अंग्रेजी की स्कूल में पढ़ता हूं, भले शहर में पढ़ता हूं, पर भावनाएं तो समझ सकता हूं, क्या आपको भावना तक नहीं समझती। राम जेठमलानी साहब ने, अंग्रेजी के जो बहुत बड़े लॉयर हैं बहुत बड़े, उन्होंने कहा है, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस पुट इन डिफिकल्ट वर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस इन अवर एडमिनिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली अनकॉमन। हमारे किसान के लिए हमें आज से सोचना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल, अगर हमारी प्लानिंग में हम फेलियर होते हैं तो हमारे आगे के काम नहीं हो सकेंगे, हमारा किसान आगे नहीं बढ़ सकेगा, और अगर हमारा किसान आगे नहीं बढ़ सकेगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा, हमारा देश बैसाखी के दम पर ही चलता रहेगा। समय का तकाजा है, अपने द्वारा लिखी हुई एक कविता सुना के, कविता के पांच ओड़ियां सुनाकर अपनी शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हमारा किसान हमारी ताकत है, पर आज आई उस पर आफत है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यह किसान बिचारा कौन कौन सी दर पर भटकेगा, ना कर सके हम इसके लिए कुछ अपने जीवन काल में तो हमारा यह जमीर हमें जीवन भर कोसेगा, हमारा यह जमीर हमें जीवन भर कोसेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। शुक्रिया, शुक्रिया प्रणय, और राहुल जी से निवेदन करूंगी कि इस होनहार युवा नेता को यहाँ सम्मानित करें भारतीय छात्र संसद के मंच से। हौसला अफजाई के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जरूरी होती है। मित्रों, लॉ के छात्र हैं, गोंदिया से आते हैं प्रणय अजमेरा। शुक्रिया प्रणय, और हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमारी ये भारतीय छात्र संसद का जो ये कार्यक्रम है, इसका वेबकास्टिंग हो रहा है। 200 यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं इस समय इसका लाइव प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से देख रहे हैं, और राज्यसभा TV पर भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप डेकोरम बनाए रखें और शांतिपूर्वक बैठें। और अब आज के दूसरे युवा छात्र नेता इनोसेंट न्यानगांव, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम केन्या, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि रोहतक में पढ़ाई करते हैं। प्लीज कम एंड एड्रेस इनोसेंट न्यानगांव। Dignitaries on the dais, fellow students,
sons and daughters of this nation, I salute you, namaste. The need of the hour for this nation is to reaffirm those constitutional aspirations of the founding fathers of this nation. This is the time to recognize and respect the contributory and role played by the farmers to the contributions of the growth of this economy and sustainable development of our nation. 6 decades after independence, our economy has immensely grown. 6 decades after independence, we pride ourselves in being the greatest democracy in the world. 6 decades after independence, our urbanization and our industrialization has immensely grown. But yet still, there is a big crisis that looms, that of a growing economy and a dying farmer. Ladies and gentlemen, our economy has grown in terms of the gross domestic product. Urbanization and industrialization has taken a great steps. We every day spend huge amounts of money in our defense budget. These and many more expenses we have done on all our budgets. But yet, there's that little thing that we have not done. We have not recognized the social and economic welfare of the farmers of this nation. I would like to say that our nation was little recognized in the years of 1965. It was the starving nation of the world. But at the present moment, this is the leading nation in terms of tea production in the world, the second largest. This has been once said as the leading producing sugarcane in the world. This is once again the leading in the production of pulses in the world. This has come due to the agrarian revolution. Those that came with the blue revolution and made us the sixth largest economy which has the inland fish production in the world. These and many more have put us on the global limelight. But every day, our nation still struggles and grapples with the pathetic economic and social welfare of the farmers. Every day, one farmer in 6 hours commits suicide. These and many more figures show the frustrations that the farmers have. Ladies and gentlemen, I'd like to tell you today that the true patriot and the true citizen who shows the spirit of statesmanship is that one who wakes up early in the morning and endures the adverse climatic conditions of this nation. He goes to the fields, he tills the hard earth, and ensures that every family gets to the dinner table before it retires to the bed. That is the farmer. Albert said, I'd like to say, much needs to be done. We, as the young people of this nation, we need to involve ourselves in constructive democracy, strengthen our democratic institutions. We must ensure that we eradicate corruption by means of political participation. The leaders of today tell us that we are the future leaders and the leaders of tomorrow. But let them know, let us tell them that our tomorrow has come. Our tomorrow is today. Aren't we fit to be the leaders of today? Why do we have to wait till tomorrow? This is the question that we must ask the leaders of today. Our tomorrow has come and our tomorrow is today. I'd like to say and conclude by saying that a growing economy is not that economy that will register the greatest GDP, but it's that economy in which the farmer's son, the farmer's daughter will get an equal opportunity to get education. It's that economy in which every citizen, every poor farmer will get equal opportunity to get the proper amenities, medical health care, his social and economic welfare. I would like to conclude by saying the words of the same scholar Swami Vivekananda, when he said that in a day when you don't come across problems, be sure that you are in the wrong path. The problems we face are many, but yet they can be solved. I assure you today. I want to tell you that it's time the young people, the little engineers, the young technocrats, the young legalists, the young legislators, come and in a spirit of citizenship, in a spirit of democracy, ensure that we transform the lives of the farmers of this nation. This can be done. Yes, we can. Together we can. We need to contribute by our active participation. We need to contribute by putting proper legislation to ensure that the rights of the farmers are taken care of. We need to reconstruct those failed economic policies
that have failed to deliver to the economic and social welfare of the farmers. Thank you both Dhanyawad Hindustan. Thank you so much. Innocent Chhatra Sansad ke manch se felicitate karenge Innocent Nyangaon. तालियों के साथ हमारे इस मित्र का जो कि केन्या से आते हैं उनका स्वागत सत्कार करें और ये पहला इंटरनेशनल फेलिसिटेशन यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से दोस्तों हौसला अफजाई करिए इस युवा नेता की बहुत बहुत स्वागत और सम्मान थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरदास रोहानी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज के हमारे सेशन के अध्यक्ष उनका सानिध्य हमें मिला है उनको मैं आमंत्रित करूंगी पर उससे पहले एक छोटी सी फिल्म उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर द स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली सिंस 2003 मिस्टर ईश्वरदास रोहानी इज द लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी He started his political career in the year 1965 when he joined Bharatiya Janasangha with a will to work for the society. His wisdom and sound political understanding made him block leader of the party in no time. During emergency, he was amongst the first who raised a protesting voice and was subsequently sent to prison, where he spent about 19 months. He displayed really sound parliamentary practices during his term as an MLA, and even his political opponents appreciated his parliamentary skills. It's an honor to welcome the Speaker of Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Mr. Ishwardas Rohani, to the 3rd Bharatiya Chhatra Sansad. Shri Ishwardas Rohani ji ka sanidhya hume mila hai aur bahut hi sadar samman ke sath hum unhe aamantrit karte hain Mani Shri Vishwanath Karade ji sammanit manch bhaiyo behno aur yuva mitro Vidhan Sabha mein hum vidhayakon ka samay tay karte hain saubhagya durbhagya se yahan hamare liye samay tay hua hai samay ki vyavastha hai मात्र 10 मिनट का समय हमें दिया गया है किसानों की आत्महत्या और देश की प्रगति पर बोलने वाले बहुत शानदार वक्ता मंच पर उपस्थित हैं इसलिए मैं नियमों को शिथिल कर युवाओं से रूबरू होना चाहूँगा युवा मित्रों जीवन एक उत्सव है भूतकाल की बातें याद करके भविष्य में प्रतिशोध की भावना को ध्यान में रखकर हम वर्तमान को खो रहे हैं जीवन वर्तमान है वर्तमान में जियो आप यही मेरी आपसे कामना है मैं आयोजकों को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अभिनव और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया है देश को इस कार्यक्रम की महती आवश्यकता है यहां आकर मैं अभिभूत हूं कि एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसकी देश को बहुत बड़ी ज़रूरत है देश में समस्याएं अनेक हैं चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे बेरोजगारी हो और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए समाज में एक ठहराव आ गया है एक जड़ता आ गई है समाज के बहुत बड़े वर्ग ने इन समस्याओं के निराकरण में समझौता कर लिया है और उनके मन में इस बात की निराशा है कि ये दूर नहीं होंगी लेकिन मैं आशावादी हूँ देश के युवाओं पर हमारी आस्था है जब जब देश में नेतृत्व का संकट आया है युवाओं ने देश को उबारा है आज देश में युवाओं की आवश्यकता है चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे किसी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की बात हो युवा इस देश की परिस्थिति को बदल सकते हैं मित्रों व्यक्ति रोज अपने से जीतता है और अपने से हारता है रात को हम संकल्प लेकर सोते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे और एक चोर विचार मन में आता है कि 1 घंटा और सो लें क्या फर्क पड़ेगा यहां व्यक्ति स्वयं से हार गया और अगर उसने संकल्प लिया है सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजने में 5 मिनट पहले अगर वो उठ गया
तो उसने संकल्प का विकल्प नहीं खोजा, वो आदमी जीत गया। युवा मित्रों, मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप रोज जीतें, संकल्प के मजबूत बने, दृढ़ इच्छा शक्ति आपका मार्गदर्शन करे और यह जड़ता, यह ठहराव जो समाज में आ गया है, इसको दूर करने के लिए आप कमर कस लें। भारतीय छात्र संसद का यह तीसरा अधिवेशन पुणे में हो रहा है। देश की जो इच्छा है, देश की जो भूख है युवाओं को राजनीति में लाने की, वो इतने से पूरी नहीं होंगी। मित्रों, आपको जिलों जिलों में और देश की प्रदेश की राजधानियों में इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके युवाओं को आमंत्रित करना पड़ेगा। राजनीति धैर्य का विषय है, इसमें इन्वेस्टमेंट पहले लगाना पड़ता है, रिटर्न बहुत बाद में आता है। किसी व्यवसाय से ठीक विपरीत है। व्यवसाय में आप इन्वेस्टमेंट करिए, रात को नोट गिनिए और देखिए आपके परिश्रम का कितना प्रॉफिट आया है, लेकिन इसमें इमरजेंसी लग जाए तो 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ता है। कई ऐसे अवसर आए जब मैंने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया कि मैडम आज सब्जी मैं लाऊंगा, पता लगा कि मैं जेल पहुंच गया और घर में दाल बन गई। घर में सीआर हम लोगों की खराब रहती है, बाहर हम सिंह गर्जना करते हैं और घर में म्याऊं म्याऊं करते हैं, क्योंकि हम उनकी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। जनता की अपेक्षाएं हमसे इतनी अधिक होती हैं कि उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमें घर की भावनाओं की उपेक्षा करना पड़ती है। युवा मित्रों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप राजनीति में आइए। जो लोग राजनीति को गंदी वस्तु बताकर उससे घृणा करते हैं, मैं उनसे असहमत हूँ। राजनीति कतई बुरी चीज़ नहीं है। देश ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, जहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न पंथों, वहाँ लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारी ये लोकतंत्र की व्यवस्था की विशेषता है कि एक रिक्शे वाले को भी एक मत देने का अधिकार है और देश के राष्ट्रपति को भी एक मत देने का अधिकार है। और भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व है, इतना मजबूत है कि आज वो विश्व को नेतृत्व दे रहा है। बिना रक्त की एक बूंद बहाए भारत में नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, शांति से सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व का परिपक्व लोकतंत्र है, यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो विकृतियां आई हैं, उन विकृतियों को दूर करने का समय आ गया है। और देश का युवा अगर कमर कस ले, को एक बेटी के साथ जब दिल्ली में सामूहिक बलात्कार होता है, तो जब दिल्ली की सड़कों पर युवा शक्ति उभर कर आती है, तो देश की सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों को यह सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि कानूनों में परिवर्तन करना आवश्यक है, सड़ी गली व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी है, ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन किसी क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप किया गया आंदोलन समस्या का निदान नहीं है। इस आंदोलन को निरंतरता प्रदान करना पड़ेगी, लगातार लगे रहो मुन्ना भाई वाली भावना लेकर चलना पड़ेगा। सिर्फ एक घटना की क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप आप देश को नेतृत्व नहीं दे सकते। युवा मित्रों, देश को आपकी ज़रूरत है। देश ने एक आज़ादी लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जीती। आज देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई आपको जीतना है और वो है आर्थिक मोर्चा। आर्थिक मोर्चे पर आपको देश को आगे ले जाना है और उसमें युवा ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। और एक मिनट के लिए विचार भी कर लिया जाए कि राजनीति बुरी है तो उसे क्या साफ करने का दायित्व तो आपका नहीं है? आज अगर युवा राजनीति में आकर इसकी गंदगी को दूर नहीं करेंगे, तो वो खाली स्थान अवांछित लोग भरेंगे और जो अवांछित लोग भरेंगे वो समाज के लिए समस्याएं पैदा करेंगे। आपके पास आएंगे, आपके पास 2 मकान हैं, एक में आप रहिए, एक में हम रहेंगे, आपको 2 मकानों की क्या ज़रूरत है? ये समय की मांग है कि युवाओं को राजनीति में आकर देश में फैली हुई विकृतियों को दूर करना पड़ेगा। और अगर युवा ने अपनी आर्थिक विलासताओं को प्रेफरेंस देकर, वरीयता देकर देश की समस्याओं से मुख मोड़ लिया, तो इतिहास युवाओं को कभी माफ नहीं करेगा। ये समय की मांग है कि आप आएं और देश का नेतृत्व करें। और मैं श्री विश्वनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं
कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, लेकिन इस आयोजन की मांग है कि इसको प्रदेश की राजधानियों तक और जिलों तक ले जाएं और वहां इस तरह के आयोजन करें। हम सब जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, सहयोग देने को तैयार हैं। सिर्फ हम कोई सुझाव देकर अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको यह विश्वास दिला रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप इस तरह के आयोजन करेंगे तो हम भरपूर सहयोग आपको देंगे और आयोजन को सफल बनाएंगे, क्योंकि ये आयोजन किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा है। ये आयोजन देश की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हो रहा है और देश की जनता युवाओं की तरफ देख रही है कि आइए हमारा नेतृत्व करिए। एक तरफ हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं अट्टालिकाओं में होने वाले भोजन को परोसते हैं और उसके पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग उन अट्टालिकाओं से फेंकी हुई जूठी पत्तलों में अपना भविष्य देखते हैं। यह है आज का भारत। इस व्यवस्था को, इस बेबसी को बदलना आपका कर्तव्य है। किसान जो देश के 121 करोड़ लोगों के पेट की क्षुधा को शांत करता है, देश का अन्नदाता है, उसके तन पर ठीक से कपड़े नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है, और अगर इस असमानता को हमने दूर नहीं किया, आज अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती चली जा रही है। इस खाई को पाटने का काम अगर युवाओं ने नहीं किया तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज इस खाई को पाटना पड़ेगा। आज उद्योगपतियों का राजनेताओं पर इतना अधिक प्रभाव है कि किसान की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। उसकी बेशकीमती ज़मीनें 1 लाख और 2 लाख और 4 लाख की एकड़ में ले ली जाती हैं और उस पर फैक्ट्रियां बन जाती हैं। वो गरीब बेबस लाचार किसान देखता ही रह जाता है और एक समय आता है कि वो खेतीहर मजदूर बनकर मजदूरी करता है और उसकी ज़मीन चली जाती है। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था में अंतर आया है, जो असमानता आई है, इसको पाटना पड़ेगा। देश के अन्नदाता किसान को अपने हक का पैसा दिलाना पड़ेगा, उसकी फसलों का उचित मूल्य उसको मिले इसकी चिंता करना पड़ेगी, उसकी ज़मीन की वाजिब कीमत उसको मिले इसकी चिंता करना पड़ेगी। और अगर हम किसान की उपेक्षा करेंगे तो किसान हमारी उपेक्षा करेगा और फिर अमेरिका का PL 480 गेहूँ हमें बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। युवा मित्रों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आइए राजनीति में। राजनीति गंदी चीज़ नहीं है, आपका स्वागत है। आप देश का नेतृत्व करें, देश आपके साथ खड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहानी जी, और आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीति अच्छी जगह है, वहाँ अच्छे लोगों की जगह है, उन्हें आना चाहिए। और रोहानी जी, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस साल से हमने युवा राजनीति को प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए एक आदर्श विधायक पुरस्कार की शुरुआत की है रोहानी जी। और मैं गुजारिश करूंगी, हमारे साथ यहाँ पंजाब से बीजेपी के विधायक श्रीमती सीमा कुमारी जी मौजूद हैं, जिन्हें इस बार का ये आदर्श युवा विधायक पुरस्कार हम प्रदान करने जा रहे हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और रोहानी जी से गुजारिश करूंगी कि सीमा कुमारी जी को ये पुरस्कार आज भारतीय छात्र संसद के मंच से हम लोग प्रदान करें। महिलाओं को भारत की राजनीति में आना चाहिए और इसी का एक संदेश सीमा कुमारी जी के माध्यम से देश को मिल रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित, और है जे जीवन समर्पित, चाहती है मातृभूमि तुम्हें और भी कुछ दूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे पूना में बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। मैं दिल से आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। आपको आज एक मैसेज देने आई हूँ। अगर मैं एक साधारण सी औरत सीमा कुमारी इस राजनीति में आ सकती हूँ तो आप सब आ सकते हैं, क्योंकि आज युवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे समाज को। आप आज आए दिन देखते हो हमारी लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। हमारा ये दिमाग, एक दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, इसी दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं, इसी दिमाग में गंदे विचार चलते हैं। क्यों ना हम इस दिमाग में
हमेशा अच्छे विचार डालें और देश की उन्नति प्रगति की ओर ध्यान दें। मेरे जुबा भाई बहनों, मैं आज आपको एक मैसेज देने आई हूँ। मैं बहुत छोटी सी उम्र में 29 साल उम्र की मैं गांव की मुखिया बनी थी। 4 साल मैं गांव की मुखिया रही हूँ। 2 साल मैंने एज महामंत्री के तौर पर महिला में काम किया है, महिला मोर्चा में। 33 साल उम्र की मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे टिकट मिला बीजेपी की, तो मैं आज आपके सामने एमएलए खड़ी हूँ। मैं बहुत साधारण सी औरत हूँ, घर का काम करने वाली औरत हूँ। मुझे लगा कि मैं छोटे से गांव में सेवा कर रही हूँ, तो लोगों की कृपा से मुझे मौका मिला अपने देश और समाज की सेवा करने का। राजनीति कोई गंदी बात नहीं है, हर इंसान इस राजनीति में आ सकता है। कौन से सब्जेक्ट में लिखा है कि राजनीति एक गंदी है? नहीं, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राजनीति है। बात वही है विचारों वाली, अपने विचारों को अच्छा रखिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 2 लाइनों में अपने शब्दों को विराम दूंगी। वो 2 लाइनें हैं भी, बहुत कुछ समझा जाए उसी में आप सबको अच्छा मैसेज मिल जाएगा। तू बन सके सहारा तो सहारा बनना, तू बन सके किनारा तो किनारा बनना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो पूरे देश के लिए जिए, पूरे समाज के लिए जिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आदर्श युवा विधायक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यहाँ स्टेज पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इंदरवीर सिंह बुलारिया जी को, जो कि अमृतसर साउथ पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्कार के साथ यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से रोहानी जी और हमारे तमाम विशिष्ट अतिथियों के साथ सम्मान करते हैं आदर्श युवा विधायक पुरस्कार देकर। 2007 में काउंसलर बने थे, उसके बाद 2008 में और 2011 में वो पंजाब में विधायक के रूप में चुने गए। उन्होंने युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं। Very good afternoon to one and all present here. As a representative of the people, I have taken up the challenge and responsibility of doing my best to help convert the dreams of the youth of Punjab to reality. Punjab, the food basket of India, has people who have the spirit of do or die, who bravely faced the brunt of senseless violence during the partition of India and still came up as one of the richest states. Today, I am humbled to share this platform with the distinguished personalities from different walks of life. I owe this honor to the Chief Minister of Punjab, Sardar Prakash Singh Badal, and the Deputy Chief Minister and President Shiromani Akali Dal, Sardar Sukhbir Singh Badal, who have engaged our generation into politics. Standing here, I view a sea of youthful faces with eager exuberance and hopeful expression. You remind me of the rivers of Punjab, gurgling, gushing with energy, imbibed from their Himalayan cradle, ready to take the mighty falls and challenges as they prepare to enter the plains where they stand and begin to hem its flow. Expands, yet it strives, moves forward, overcoming all barriers.
to its final destination, the sea. Yes, dear friends, you are a reflection of that mighty river, the life force of India, the India that nurtures, nourishes with the traditions and values. You grow from strength to strength. Soon you begin to see, absorb, and understand the environment around you. Accordingly, you choose your career. Some want to be bankers, some want to be business tycoons, and so on. Politics, politicians are still very low on your career option. It's time to change the list. The new millennium demands it, especially in India. The failures of the 20th century have cast a dark shadow over humanity. The two world wars closer to home. We saw the most violent partition, assassination of leaders, civil wars, communal riots, surging terrorism, and worst of all, indifference. Indifference of a nation to a nation, indifference of people to other people around them. We have all become morally ill because we are used to saying something different from what we think. This is an offense against humanity. Skeptical and estranged, many of our young people today look out on a world where they have made, they survey its conflicts with apprehensions. Therefore, in this new millennium, it should be the moral duty and prerogative of the youth to start the process of healing and restoration by getting into the system. And what better way of doing it? By joining politics. The youth, with its ever-ready zeal and vigor, is the answer to the ever-changing times. You're more flexible, you're more aware, exposed and open to the new challenges and options. Look how the nation, especially the youth, have rallied around Nirbhaya. And I believe a change will occur not only in the system, but in the hearts of men and women. Today, Nirbhaya's parents have lost a daughter. But they must be overwhelmed to see many more daughters they have got. The power of youth is the real power, a force behind movements that bring a change. The history of India has time and again proved this. It was the young Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, who died smiling at the gallows for their nation. It was the young Mangal Pandey, Rani of Jhansi, who defied the British. Go further back in history, Veer Shivaji, who challenged the mighty Mughals. History is replete with its innumerable instances where the youth have changed its course. The magic word to achieve this is step in. Take responsibility and become good leaders to all those people in the huts and villages, struggling to break the bonds of mass misery. Pledge your best efforts to help them, help themselves for whatever period is required, not because you seek their votes, but because it is right and just. For a society that cannot help many who are poor, cannot save the few who are rich. Politics, like all careers, will have its ups and downs. Winston Churchill once said, politics is almost as exciting as a war, but quite as dangerous. In war, you can be killed once, but in politics, many times. But then, politics is a marathon. It is not a sprint. Lastly, I would like to emphasize on complacency. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without thinking. Do things not because of how society thinks you should act, but because of who you are and what you believe in. So, dear friends, move
with extraordinary hope, belief in yourself for on you depends the tomorrow. Don't try to help everyone. Just try to help someone. इंदरवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अब हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ जाने माने किसान नेता, सांसद और हमारे आज के सेशन के मुख्य वक्ता श्री राजू शेट्टी जी उपस्थित हैं. हम उन्हें आमंत्रित करें उससे पहले उनके जीवन, उनके योगदान, उनके कार्यों पर ये छोटी सी फिल्म. राजू शेट्टी, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वाभिमानी शेतकरी संघटना SSS, इज द मैन हु हैज बीन एबल टू रैली मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र बिहाइंड हिम टू फाइट फॉर देयर राइट्स. ही फाउंडेड द स्वाभिमानी शेतकरी संघटना SSS बेस्ड इन शुगर रिच कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, विच हैज इमर्ज्ड एज द ऑर्गेनाइज्ड वॉइस ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ द स्टेट. राजू शेट्टी MP is also the editor of the Marathi fortnightly Swabhimani Vichar. The catchline of Swabhimani says, "Shed your cowardice and join politics. Then only will the cesspool of politics become clean." A fighter by nature, Raju Shetty was in the news recently for the farmers' agitation for sugarcane support price. It is an honor to welcome the farmer leader, Mr. Raju Shetty, to the third Bharatiya Chhatra Sansad. Raju Shetty ji ko bade samman ke saath yahan Bharatiya Chhatra Sansad ke manch par aapko sunne ke liye log bechain hai. To aaiye aur hame sambodhit kariye. Chhatra Sansad ke manch par upasthit aaj ke samaroh ke adhyaksh, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास जी, मंच पर उपस्थित विश्वनाथ जी कराड़, पाशाभाई पटेल और सभी मान्यवर और छात्र संसद में उपस्थित सभी युवा सांसद भाई बहनों, इस देश में एक तरफ ये देश तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे विश्व में एक आर्थिक महासत्ता के रूप में हमारा देश उभर रहा है. इस तरह के सपने हमारे नेता, हमारे देश की जनता देख रही है. और दूसरी तरफ दुर्भाग्यवश इस देश का जो किसान है, ये किसान आत्महत्या कर रहा है. दिन ब दिन आत्महत्या बढ़ रही है, ये दुख की बात है. हमारा देश कृषि प्रधान देश है और फिर भी इस देश का जो अन्नदाता है वो आज मर रहा है. जिस तरह से कीड़े मकोड़े मरते हैं उस तरह से वो मर रहा है. और फिर भी हम अपने देश को महासत्ता बनाने के सपने देख रहे हैं, ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है. और इसका कारण क्या है, इसका संशोधन होने की आवश्यकता है. मैं कई बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ. जब हमारे देश के आज़ादी हमें मिली तब 1950 में जो घरेलू उत्पादन था उसमें कृषि क्षेत्र का हिस्सा था 53%. 90-91 में ये हिस्सा कम हो गया, 29.6 घरेलू उत्पादन में हमारा हिस्सा हो गया. और 2011-12 में ये 13% तक नीचे गए. 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें इस देश के आबादी के 62% लोग खेती कर रहे हैं, खेती के ऊपर निर्भर रह रहे हैं. और उनका हमारे देश के GDP में हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 13.9. और दूसरी तरफ उद्योग का जो हिस्सा है 1950-51 में 16 था, 1990 में वो 27 हो गया,
1911-12 में 2011-12 में 27 हो गया। सर्विस सेक्टर का हिस्सा 30% से 59% तक बढ़ गया और खेती का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन फिर भी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था उस वक्त हम अनाज के ऊपर अन्न के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं थे। पीएल 480 के तहत हमें अमेरिका से गेहूँ लाना पड़ता था, सड़ा अनाज लाना पड़ता था और इस देश के गरीब जनता को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए हम देते थे। इस देश के किसानों ने इतनी तरक्की की कि आज की तारीख को हमारे देश में हमारे बहादुर किसानों ने जो अनाज पैदा किया है वो रखने के लिए भंडारण कम पड़ रहे हैं। इतना अनाज हमने पैदा किया है फिर भी आज हमारा जो अन्नदाता है वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। इसका मूल क्या है मैं आपके सामने और कई आंकड़े रख रहा हूँ। 1990-91 में इस देश में प्रति व्यक्ति दूध का जो खपत था वो 176 ग्राम पर व्यक्ति था और उत्पादन था 33 मिलियन टन। पिछले 20 साल में दूध में हमने इतनी तरक्की की कि इस साल हम प्रति व्यक्ति 281 ग्राम प्रति व्यक्ति इतना दूध दे रहे हैं। दूध का उत्पादन 121 मिलियन टन बना है। अनाज के बारे में यही हो रहा है फिर भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है इसका एक ही कारण है। किसान अपने खेती में जो खर्चा करता है उसका जो लागत है वो लागत में उसको वापस नहीं आ रहा है। एक कहावत है गांव में, सौ का साठ करना और बाप का नाम चलाना, इसी को खेती कहते हैं। हम खर्च कर रहे हैं 100 रुपये, हमें वापस मिल रहे सिर्फ 60 रुपये और ये दिन ब दिन घाटे की खेती करते करते हमारा किसान आत्महत्या करने जा रहा है क्योंकि कर्जा डुबाना उसकी नियत नहीं है। आप अगर गांव में जाओगे तो गांव का किसान कहेगा कि मैंने फलाने फलाने के पास कर्जा लिया है, वो मुझे वापस देना पड़ेगा। जब वो अंतिम श्वास देता है तो अपने बेटे को कहता है कि मैं ये कर्जा नहीं चुका सका, लेकिन बेटा मेरी जिम्मेदारी तुम अपने सर पे ले लो, ये कर्जा चुकाओ नहीं तो स्वर्ग में भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये नियत है हमारे किसानों की। इसलिए जो ईमानदार किसान है वो ठगा जा रहा है। नीति के हम दिल्ली में मुंबई में बैठे हुए हम जैसे जो लोग हैं जो नीतियाँ निर्धारण कर रहे हैं वो किसानों को घाटे में जाने वाले नीतियाँ निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। ये लानत की बात, इसका निषेध होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो किसान है वो ईमानदारी से हमारी जो ज़रूरत है वो पूरा कर रहा है। ये मैं नहीं कहता, लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष गुलाटी जी भी कह रहे हैं कि इस देश के किसानों को जो लागत है वो लागत हम वापस नहीं दे सकते, इतना MSP नहीं बढ़ा सकते। वो उस विषय पे पाशा भाई बोलने वाले, इसलिए मैं उसका स्पर्श नहीं करूँगा। लेकिन क्या कारण है कि किसानों को लागत मूल्य भी वापस नहीं आ रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ने जो एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखा उसका किसानों के आत्महत्याओं को कारण यही उन्होंने कहा कि किसानों को लागत मूल्य वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं इस देश के जनता के प्रति भी अपील करूंगा कि हमने आपको इतना खिलवाया कि मैं और कई आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1993-94 प्रति माह 10 किलो एक व्यक्ति अनाज उसका कंजम्पशन था, वो 2009-10 में 9.4 उसका कंजम्पशन हो गया। इसका मतलब शहर का आदमी भूखा ये नहीं, इसका मतलब यह है कि वो अनाज की ज़रूरतें वो अपने दूध के ऊपर बड़ा अनाज के बजाय वो दूध का उसका कंजम्पशन बढ़ गया।
और उसके साथ ही साथ फल और सब्जी में भी वह उसका कंजम्पशन बढ़ गया। 1993 में शहर का एक व्यक्ति एक महीने में 35 किलोग्राम फल और सब्जी खाता था, आज की तारीख में वो 50 किलो तक उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। इसका मतलब यह है, गांव का हो या शहर का हो, हर एक इंसान अच्छी तरह से खाना खा रहा है, फल खा रहा है, दूध खा रहा है, सब्जी खा रहा है, फिर भी खाने के ऊपर उसका जो खर्चा है महीना का वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब हम अच्छे कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो किसानों का शोषण करके जी रहे हैं। क्या कारण है ये? क्योंकि हमारे राजनेताओं ने, हमारे नीतियाँ निर्धारण करने वालों ने इस देश की नीतियाँ इस तरह से नीतियाँ निर्धारण की है कि हमारे ज़रूरतें जो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सेहत, हमारे नेताओं ने, हमारे जो नीतियाँ निर्धारण करने वालों ने शिक्षा इतनी महंगी कर रखी है, इतनी महंगी कर रहे हैं, हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्चा हो रही है अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। दूसरी बात है घर की, घर इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर रहे हैं कि घर का रहने का किराया बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और सेहत, जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, जो हेल्थ की सर्विसेज थी, वो पूरा ठप हो गया। आज कोई भी सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, क्योंकि यहाँ नरक से भी भयंकर उपचार होता है। और ये शिक्षा, सेहत और मकान, इसके लिए हमारे आमदनी से इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, खाने के लिए हमारे पास बहुत कम पैसा बच रहा है। और इसलिए सरकार ये कोशिश कर रहे हैं महंगाई ज़्यादा महसूस न हो, इसलिए किसान जो अनाज पैदा करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो, इसलिए मार्केट में इंटरम्पशन करके, बाज़ार में हस्तक्षेप करके वो किसानों का जो अनाज है, उपज है, उसके रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यही किसान मार खा रहा है, यही किसान हार रहा है। अपने खेत में जब किसान होता है तो वो बहुत अमीर होता है, लेकिन खेत से मार्केट में जाता है तब किसान हार जाता है, व्यवस्था के सामने हार जाता है। और वो उसको जो लोन मिलता है वो लोन सही वक्त पर नहीं मिलता, और जो बुनियादी ढांचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। अगर इस देश के किसानों को फिर से उभरना है, इस देश के कृषि क्षेत्र को फिर से उभरना है, तो समाज के नाते हमें भी गंभीरता से सोचना चाहिए, और जो नीतियाँ निर्धारण कर रहे हैं उनको भी गंभीरता से सोचना है, तभी इस देश की खेती फिर आगे जाएगी। मैं आप सबको और पूरे विश्व को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, आप कितनी भी तरक्की करो, वैज्ञानिक तरक्की करो, लेकिन इस तरह का अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है कि कोई फैक्ट्री में आप गेहूं या चावल पैदा करें। अगर आपको गेहूं चावल पैदा करना है तो किसानों के खेत में ही जाना पड़ेगा। अगर किसान खेती करना बंद करेगा तो इस देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और वो दिन बहुत दूर नहीं है, यही चेतावनी देता हूँ। इसलिए आप सब लोग सोचिए कि अगर आज की तारीख में किसानों की हालत बिगड़ती है तो कल देश की भी हालत बिगड़ने वाली है, इसके बारे में सोचिए। और एक विचार आपके सामने रखता हूँ, अब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आज इंडस्ट्रियल और शहरों से बाहर विसर्जित हो रहा है, और उसकी कीमत गांव को चुकानी पड़ रही है। ये जो ना चाहते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अब्सॉर्प्शन करने वाला सबसे ज़्यादा घटक कौन है, तो किसान है। क्योंकि किसान खेती करना, यानी कि प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बनाना, इसी को खेती कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम किसान सह रहे हैं, इसलिए कार्बन क्रेडिट का हिस्सा भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चेट्टी जी। और अब आज के हमारे दूसरे मुख्य वक्ता, महाराष्ट्र में विधान परिषद के पूर्व सदस्य और जाने माने किसान नेता श्री पाशा पटेल जी का भी सानिध्य हमें मिला है,
आइए सबसे पहले उनके जीवन और कार्यों पर देख लें ये छोटी सी वीडियो क्लिप। Basha Patel is a very prominent leader of the farmers from the Marathwada region and has been associated with the Shetkari Sanghatna since its inception nearly two decades ago. A firebrand activist of the farmers, Basha Patel has fought his way up the political ladder. He is a very popular leader of Marathwada with a wide mass base, particularly in the Muslim community. Basha Patel was also amongst the first Muslim leaders to join Bharatiya Janata Party after its former president appealed to its party workers to ensure that the members of the minority community were not neglected. It's an honor to welcome the assertive farmers leader, Basha Patel, to the third Bharatiya Chhatra Sansad. Jawan Vidyarthi Bhaiyo aur Behno, भाग्यवान इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 35 साल पहले जब तुम्हारे उम्र का था वय का था उस वक्त हमने भी विद्यार्थी संसद देखी है लेकिन कहीं में ऐसे हॉल में नहीं है किसी मठ में किसी मंदिर में किसी गिरे हुए खंडर जैसे स्कूल में लेकिन आप बड़े भाग्यवान हैं कि विश्वनाथ जी कराड़ राहुल जी कराड़ मंगेश बापू कराड़ इनके वजह से आलिशान सभागृह में आप सीखने के लिए आए हैं समाज भाइयों यूं कहूं तो मैं दो मिनट में भी खत्म कर सकता हूं यूं कहूं तो 20 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं क्यों तो इतना मटेरियल मैं लेके आया हूं लेकिन राहुल जी ने मुझे कहा कि पाशा जी 10 मिनट में आउट अब जब 10 मिनट में आउट करना है तो बुलाए क्यों भाई हमको इतने दूर से है हम क्या करेंगे हमारे बहुत परेशान है मुझे कहना तो बहुत है मुझे राहुल जी के कुछ कार्यकर्ता बोले कि भाई यहां भी इतने सारे विद्यार्थी हैं और इन विद्यार्थियों को राजनीति में तो आना है लेकिन क्या उसको राजनीति की पार्श्वभूमि चाहिए मैंने कहा नहीं मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहां पिछले 65 साल में कोई मेरे फैमिली का ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बना पंचायत समिति का तो कोई कारण ही नहीं लेकिन राहुल जी मैं विधायक बना अपने बलबूते पे इसलिए अगर तुम्हारे में दम है तो दुनिया की कोई ताकत किसी भी कुर्सी पे बैठने की आपको रोक नहीं सकती सिर्फ चाहिए दृढ़ निश्चय और ईमानदारी ये दो चीजों के वजह से आप कहीं भी बैठ सकते हैं और यहाँ पे जीता जागता उदाहरण है अगर विश्वनाथ जी कराड़ रामेश्वर गांव में रहते थे तो वो भी हमारे जैसे ही रहते थे लेकिन उनके क्वालिटी में उन्होंने सारे विश्व को शांति का संदेश देना काम किया इसका मतलब आप हौसला रखो आपकी जीत होने वाली है ये 100% सही है मुझे बताना है खेती मेरे साथी राजू शेट्टी ने कहा वो पाशा पटेल बताएंगे क्यों तो जितना बोझड़ है वो मेरे पे और सोपा सोपा उन पे चलो बोझड़ तो बोझड़ वो भी बताने के लिए तैयार हूं मैं भाइयों किसान आत्महत्या क्यों करता है ये यहाँ पे आए हुए विद्यार्थियों से ज्यादा भी इस कटघरे में सामने बैठे हुए लोगों को समझाना मैं मेरा अधिक कर्तव्य समझता हूं सिर्फ चार चीजें किसान आत्महत्या क्यों करता है क्यों तो वो अपने जेब से खेती में जो लगाता है वो उतना वापस नहीं आता वो कौन से रूप में मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं मैं तो मैट्रिक पास हूं लेकिन बड़े गर्व से एक बात कहना चाहता हूं कि फार्मर सुसाइड क्यों होती है यह समझने के लिए मेरे गांव में
मेरे खेत में कौन आया पता है आपको? इस देश के सीएसीपी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गुलाटी, जिनको अमेरिका में 1 करोड़ रुपये तनख्वाह महीने को थी। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए मेरे पास दिल्ली से आए। अब 10 मिनट में कैसे बताऊं, 5 तो खत्म। सिर्फ 4 चीजें। 1, किसान आत्महत्या क्यों करता है? पहली बात, मेरे खेत में जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार 2 नमूने के लेबर को पैसे देती है। खेती में 2 लेबर है, एक हायर लेबर, दूसरा फैमिली लेबर, एक रोजंदारी पे आने वाला मजदूर और एक फैमिली मजदूर। ये दोनों की मजदूरी में क्या शोषण है मैं आपको बताता हूँ। एक मजदूर, अब जिसके पास गन्ना है, ऐसा कोई गन्ने का किसान का लड़का यहाँ बैठा हुआ है कि मुझे जरा हाथ ऊपर करके बताओ है? तो मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? तो रात में 12 बजे लाइट आती है, और रात में 12 बजे लाइट आने के बाद कोई लेबर पानी देने के लिए खेत में आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर आया तो क्या लेता है? 500 रुपये, 500 रुपये एक दिन के, 500 रुपये मजूरी। और दूसरी बात, सिर्फ 500 रुपये पे लेबर आता है, क्या और कुछ मांगता है क्या? हाँ, 500 रुपये और 90 उसका बिल है, तो 600 रुपये लगते हैं। अरे एक दिन में मेरा किसान मजूर को 600 रुपये देता है, गन्ने की कीमत निकालते वक्त उस मजूर की मजूरी 151 रुपये पकड़कर अगर गन्ने का भाव निकाला तो क्या गन्ना की कीमत किसान को मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखिए, मैं किसान हूं, मजूरी किसान की कैसी पकड़नी चाहिए? अब कोई बेवकूफ कहता है 32 रुपये पकड़ो, कोई बेवकूफ कहता है 100 रुपये पकड़ो। देखिए भाइयों, मैं जिंदा हूं, मैं आज दिन भर जितना काम किया, या समझो मेरे पास ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर में 50 लीटर मैंने डीजल डाला है, ये ट्रैक्टर आज जितना काम किया उतना ही काम कल करने के लिए अगर मैं घर के बाहर ट्रैक्टर निकालूं तो मुझे फिर 50 लीटर डीजल डालना जरूरी होता है। इसी तरीके से मैं आदमी हूं, मैं काम को जाता हूं, आज मेरी जितनी कैलोरीज खत्म हो गई, कल उतना ही काम करने के लिए उतनी कैलोरीज फिर मेरे शरीर में डालने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, ये देश के अर्थशास्त्रियों को अगर अक्ल होगी तो उन्होंने सोचना चाहिए। दूसरी और एक बात कहता हूं, मैं मालिक हूं, मजदूर से 4 पट मैं मेहनत करता हूं। इस देश के सीएसीपी के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर हक ने कहा, मजदूर की मजूरी के 4% अगर मालिक की अगर मजूरी तय होगी तो ही उसको उचित मूल्य मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मुझे जितनी मजदूर उतनी मालिक की मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, ये हो गया आदमी का। अब मैं कहता हूं बैल का, बैल है मेरे खेत में, 10 एकड़ के लिए 1 बैल, 4 हेक्टर के लिए 1 बैल जोड़ी, 4 हेक्टर के लिए 1 बैल जोड़ी, तो 1 हेक्टर के गन्ने की कीमत निकालते वक्त बैल की मजूरी 90 दिन पकड़नी चाहिए, लेकिन मूर्ख सरकार पकड़ती है 9 दिन। 90 की जगह 9, 0 आउट, इसलिए किसान भी आउट। अब रही बात चौथी, मेरी जमीन ईएमआई है, ईएमआई की कीमत तय होते वक्त
इस कारखाने में जो लगी हुई जमीन है उसको खरीदने के लिए जो पैसे लगे हैं, वो पैसों का ब्याज ये माइक के कीमत में लगा हुआ है, ये सही है कि नहीं है? सही है। तो जब माइक के कंपनी की खत्म, तुम आओ मत, मैं आ रहा हूं, भाइयों यह जमीन है। अब किसी भी गांव में 10 लाख रुपए के बगैर एक एकड़ जमीन नहीं मिलती। एक हेक्टर में 2.5 एकड़ जमीन होती है, 2.5 एकड़ जमीन के 25 लाख रुपए होते हैं। 25 लाख रुपए किसी भी नेशनलाइज बैंक में अगर रखे गए तो उसको 2.5 लाख रुपए का ब्याज मिलता है। तुम्हारे माँ की कसम खा के बताओ कि 10 साल में कभी 2.5 लाख का गन्ना एक हेक्टर में हुआ है क्या? अरे अपने बाप को जाके बताओ बेवकूफ, ये धंधा क्यों कर रहे? बेच जमीन, रख पैसे बैंक में, कर आयश। सारे लोग यही कर रहे, हम क्यों बेवकूफी का करें? भाइयों मैं जाते जाते आपको सिर्फ दो चीजें बताना चाहता हूं। एक, अभी जो कश्मीर के साहब यहां पे बैठे बात कर रहे थे तो उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद की बात बताई। एक राहुल जी सॉरी माफ करो, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्यों तो वो मेरे गांव वाले हैं, फिर मुझे अगली बार बुलाएंगे नहीं, इसलिए मैं जल्दी आउट होता हूँ। दो चीजें, नक्सलवाद आतंकवाद क्यों बढ़ता है? आपने देखा है कसाब को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन कसाब के घर का चित्र टीवी पर बताया गया, कैसा घर था, इतना इतना। गरीबी यह आतंकवाद की जननी है। भाइयों मैंने 11वीं पंचवार्षिक योजना पढ़ी है लेकिन मराठी में, मैं जरा आपको कष्ट देता हूं, ये 2 लाइन आप मराठी में सुनो, हो सके ये भी शॉर्ट लग गया अपना। भाइयों क्या कहा है भारत सरकार ने, 11वीं पंचवार्षिक योजना ने, भारत सरकार ने कहा है, अन्याय आणि नैराश्यातून केवळ अतिरेकाचा जन्म होतो। देशातल्या 100 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादाच्या प्रसाराने धोक्याचा इशारा दिलेला आहे। उरलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जनतेच्या मनातला संतोष जातीच्या माध्यमातून येऊ लागलेला आहे। असं का घडलं? त्याचं कारण गेल्या 65 वर्षात शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवण्यात शासन यंत्रणेला आलेलं अपयश, म्हणून नक्षलवाद, म्हणून जातीवाद, म्हणून भ्रष्टाचार। एक ओळीचा संदेश देऊन जातो की जाती पातीच्या मोहाला बळी पडू नका। मी पाशा पटेल, मी जातीने मुसलमान आहे, मी 17 वर्ष विचार केलो मुसलमान कसा झालो, परवा साक्षात्कार झाला मी मुसलमान कसा झालो, माझी आई मुसलमान, माझी वडील मुसलमान, म्हणून मी बाप मुसलमान। तुमचं कसं आहे? जात ही अर्ज करून मिळते, जात ही अपघात आहे, जात ही अर्ज करून मिळत नाही। जात जर अर्ज करून मिळाली असती तर मी देवाला अर्ज केला असतो, आदरणीय देवा स्वन विवी विषय योग्य जात मिळण्याबाबत, महोदय मी 9 महिने 7 दिवसावर जमिनीवर येणार आहे, तू मला योग्य जात दे, तू जर योग्य जात दिलास तर मी तुझा उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही, तुझा डिंब डिंब कथा त्यावेळेस नाव नव्हतं। आणि जात जर अर्ज करून मिळाली असती मी देवाला म्हणलो असतो 1 कोटी घे का 2 कोटी घे। पर विश्वनाथ कराडची आज पोटला घाल, पर ते आपल्या हातात नाही, ते देवाच्या हातात आहे। खूप बोलायचं होतं पर ये त्याच्यामुळं मी भविष्यात आणखीन कधी बोलेल। मला आपण सगळ्यांनी बोलवला, या संस्थेने बोलवलं, आपले सगळ्याचे आभार मानतो, इथं थांबतो। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों से। आ जाए हम दो सवाल लेंगे आपके
आप कृपया इधर आ जाएं। हेलो यंग फ्रेंड्स, प्लीज लिसन, वी गॉट द प्रोमिनेंट टू स्पीकर्स नाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस। आपने जो प्रश्न दिए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। By scores and hundreds we have got questions, please keep it up। मुझे कुछ कुछ लोगों ने बताया पिछले सेशन के बाद कि उनकी थोड़ी नाराजी थी कि इतने प्रश्न देने के बावजूद उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। देखिए यहाँ समय की पाबंदी है, आप जानते ही हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर वी विल एंटरटेन ऑल योर क्वेश्चंस। आई जस्ट स्पोक टू डॉक्टर माशेलकर ऑल्सो, ही सेड टेल द यंग पीपल नॉट टू वरी, इवन आई विल आंसर देयर क्वेश्चंस, लेट देम ईमेल देम टू मी। सो We will be sending your questions that you have given to us to those speakers, including them, who will answer you later. For now, we will take a limited number of questions. सबसे पहले podium number 2 से हमारे पास ये सवाल आया है, इंगले भाग्यश्री का। नमस्कार महाराष्ट्र, मी नाशिककर भाग्यश्री इंगले। I have a question for Raju Shetty sir. Government is focusing upon urban income like industries and all, which ultimately ignores farmers' problems. What remedies to be taken to maintain a balance between urban income and farming income? शहर में और गांव में जो फर्क है उसका कारण यही है कि शहर में जो मैंने अभी अपने भाषण में कहा कि आम आदमी की जो खर्चे के हेड्स है उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, और वो सही मायने में जो शहर में लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए जो मजदूरी सस्ती मिलनी चाहिए, और गांव से शहर तक माइग्रेशन हो रहा है, और इसी का कारण है कि अर्बन इकोनॉमी अलग हो चुके है, गांव की इकोनॉमी अलग हो चुके है। इसी देश में इंडिया और भारत इस तरह से दो देश बन चुके हैं, और हमें यही दो देशों का इंडिया और भारत में जो फासला है वो फासला मिटाने की कोशिश करनी है। और अब पोडियम नंबर 4 से हम अगला सवाल लेंगे पाशा पटेल जी के लिए। जाधव बालाजी हमारे साथ हैं। जाधव बालाजी अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल आपसे यह है, पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों ने आंदोलन किया, विदर्भ में कपास उत्पादक किसान आंदोलन करते हैं, अगर यही ऐसा हाल रहा अपने किसानों का तो क्या गन्ने की फैक्ट्रियां इधर कंटिन्यूसली चालू रह पाएंगी, और इस आंदोलन का अपने सहकारी कारखानदारी के ऊपर क्या विपरीत परिणाम हो पाएगा, बताइए प्लीज। न रहे बांस तो न बजे बांसुरी। अरे किसान नहीं रहा तो फैक्ट्री को लेके क्या चाटना है क्या? फैक्ट्री की सोचने से पहले किसान की सोचना जरूरी है, और वो नहीं सोचते हुए गलत सवाल जादव ने की तुमने किया। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इन सवालों के जवाब देने के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप कृपया अपने अपने स्थान लें। और अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं श्री मंगेश सांगले जी को इनवाइट करना चाहूँगी, जो कि विक्रोली मुंबई से MNS के विधायक हैं। समापन भाषण के लिए मंगेश सांगले जी। आज भारतीय छात्र संसद यांच्या तिसऱ्या अधिवेशनानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय सर्व पदाधिकारी, ह्या अधिवेशनाचं ज्यांनी आयोजन केलं ते सन्माननीय कराड सर, त्यांचे पूर्ण कुटुंबीय, त्यांचे पूर्ण शिक्षक वृंद, त्यांचे संपूर्ण कर्मचारी वृंद, आणि इथे भारतातून आलेल्या सर्व माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आज मला तुमच्याशी ह्या ठिकाणी बोलत असताना फार मोठा आनंद होत आहे की एक वेगळा आगळा असा उपक्रम आज श्रीयुत कराड सर आणि त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रात होत आहे, त्याबद्दल मी पुन्हा या ठिकाणी सन्माननीय कराड सर आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या ठिकाणी मी आभार मानतो, अभिनंदनही करतो। मला असं वाटलं की आम्ही विधानसभेत जसं बसतो तसं आज आम्ही इथे बसलेलो आहोत,
विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत आणि आमची वेळ ही निश्चित केली आहे ती सांगितल्याप्रमाणे आमच्या अध्यक्ष मोदींनी कराड सरांनी आणि त्यांच्या सर्व सन्माननीय पदाधिकाऱ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन करताना कार्यक्रम छान होण्यासाठी ह्याचं नियोजन केलेलं आहे. मी तुम्हाला आश्वासन देऊ इच्छितो की तुम्ही पाठवून कोटवाले बाबू जो बेल वाजतील वाजवतील त्याच्या आधीच मी माझं भाषण संपवीन. खरं तर एक अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावरती आज आपण या ठिकाणी चर्चा करत आहोत. शेतकरी खरं तर आपल्या या समाज जीवनाचा आत्मा आहे आणि हा आत्मा हा जर नसेल तर या पृथ्वीचं काय होईल. या पृथ्वीवर असणाऱ्या सर्व समूह मनुष्यजातीचं काय होईल हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. विचार करा, शेतकरीच नाही तर तुम्हाला अन्नधान्य कोण देणार. हा आपला अन्नदाता आहे याचं भान आपण सर्वांनी ठेवलं पाहिजे. समाजामध्ये राजकीय व्यवस्थेमध्ये असणाऱ्या सर्व प्रमुख पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी असणाऱ्या मंत्री महोदयांनी या विषयाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. खरं तर आपल्या देशाच्या माननीय पंतप्रधानांनी या देशाचा आर्थिक विकास दर हा 10% नेण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. सन्माननीय मॉन्टेक सिंग अवोली यांनी सांगितलं की हाच दर आपण 8% जाऊ पोहोचू शकतो पण आम्ही 9% उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. हे सर्व करत असताना तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या आर्थिक विकास दराबद्दल कुठली फुटपट्टी लावलेली आहे का. जर या देशामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत असतील तर या देशाची आर्थिक उन्नती जरी झाली तरी ह्या देशामध्ये जे बॅलन्स झालं पाहिजे, अर्थकारण बॅलन्स झालं पाहिजे, ते होणार आहे का. आज आपल्या देशाला बाहेरून इंधन मागवावं लागतं आणि म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला अनेक लाखो कोटीमध्ये आपल्याला परकीय चलन त्यांना द्यावं लागतं. जर उद्या आपल्या देशामध्ये जर अन्नच पिकलं नाही, धान्यच पिकलं नाही, तर तुमचा विकास दर काय म्हणणार आहे. तो विकास दर आणि आपल्याला 100 कोटी 125 कोटी जनतेला लागणाऱ्या धान्याची निकट आपला देश पुरू शकेल का. खरं त्याचं गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. या देशामध्ये शहरीकरण अर्बनायझेशन हे किती प्रमाणात झालं पाहिजे याच्यावर देखील तज्ज्ञांनी आता विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि तो विचार आता जर आपण केला नाही तर भविष्यामध्ये आखातामध्ये म्हणजे जसं गल्फमध्ये आज तिथल्या असणाऱ्या तिथल्या देशांची अवस्था आहे की तिथल्या देशांना बाहेरून अन्नधान्य फळभाज्या मागवावे लागतात अशी परिस्थिती भारतावर आली तर आश्चर्य मानू नका हे आता मला या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. म्हणून खरं तर खूप काही गोष्टी आहेत पण वेळेचं बंधन आहे. मी या ठिकाणी बोलत असताना इथे आलेल्या भारतभरातून आलेल्या सर्व माझ्या इतर भाषिक विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो. मला कराड सरांनी सांगितलं की आपण हिंदीतून बोला. मैं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे विद्यार्थी मित्र और मेरे सभी परिवार को यहाँ पे मैं इस महाराष्ट्र के अंदर आपका स्वागत करता हूँ. मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष का मैं विधायक हूँ. मेरे सन्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राज साहब है, उन्होंने हमें यही सीख दी है कि अपनी भाषा पर प्रेम करो. इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी अन्य भाषा का दुस्वास करो. हम सभी भाषाओं को आदर से और प्रेम से ही देखते हैं. लेकिन मैं अपनी भावनाओं को मैं मेरी भाषा में मेरी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूं. इसीलिए मैं आपको सबको ये विनती करता हूं कि मैं आगे का 2-3 जो मेरे चरण है भाषण के वो मैं मराठी में कहूँगा. और अभी आप सभी आए हुए भारतवर्ष से सभी विद्यार्थी मेरे मित्र को मैं विनती करूँगा कि आप ये मेरे 2 शब्द मेरी मातृभाषा से आप सुन लीजिएगा. मी शेतकरी का आत्महत्या करतात या विषयावर बोलत असताना मी या ठिकाणी बसलेल्या सर्व व्यासपीठावरील सर्व माझ्या मान्यवरांना, देशातील ऐकणाऱ्या सर्व माझ्या सर्व राजकीय पुढाऱ्यांना, मंत्री महोदयांना एकच विनंती करीन की ह्या देशाच्या नद्या ह्या देशामध्ये काय नाही आहे. सर्व आहे, खनिज संपत्ती आहे, जंगल संपत्ती आहे, पाणी आहे, पण ह्या पाण्याचं नियोजन नसल्याकारणामुळे आपलं बहुतांश पाणी समुद्रामध्ये वाहून जातं आणि ह्या देशातला शेतकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत असतो
आणि दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये अत्यंत वाईट परिस्थिती असते. इथल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. त्यासाठी अनेक कारणं आहेत. पण या देशातील पुढाऱ्याने जर मधल्या कालखंडामध्ये आदरणीय प्रभू जे खासदार होते शिवसेनेचे, त्यांनी ज्यावेळेस नद्या जोडण्यांचा हा प्रकल्प हाती घेतला होता, त्याचं काम पूर्णत्वास लवकरात लवकर होणं ही आज आपल्या देशाची गरज झालेली आहे. कारण मी दुबईला गेलो होतो. दुबईला मी एका अजनान ह्या असणाऱ्या त्यांच्या एका देशात गेलो आणि त्या ठिकाणी बघितलं की तिथल्या शेखाने, तिथला जो शेख असतो राजा तिथला, त्याने वाळवंटामध्ये पाणी नेलं होतं आणि ज्या ठिकाणी घरं आहेत त्या ठिकाणी जे शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्यांना शेती करायची असेल तर त्या ठिकाणी समुद्राचं पाणी गोडं करून तो त्या ठिकाणी वाळवंटात पाणी पुरवठा करतो. का करतो? तो तिथल्या शेतकऱ्यांना शेती करण्या करतो, शेती करण्यासाठी तो पाणी पुरवठा करतो. आपल्या देशाचं पाणी मुबलक उपलब्ध आहे तर त्याचं नियोजन आपण का करू शकत नाही हा माझ्या मनात पडलेला मोठा प्रश्न आहे. म्हणून या देशातील सर्व असणाऱ्या पुढाऱ्यांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. आज परिस्थिती काय आहे? आज परिस्थिती अत्यंत एक बिकट परिस्थिती या देशासमोर पुन्हा येणार आहे. आत्ताच लोकसभेमध्ये एक बिल मंजूर झालं शेट्टी साहेब. आता स्टँडिंग कमिटीला ते रेफर केलं गेलेलं आहे की आता ज्या आपल्या नॅशनलाइज बँक आहेत त्याचं खाजगीकरण करण्याचं प्रकार सुरू झाला आहे. 33% आता 50% आपला शेअर्स त्यामध्ये आहेत बँकेमध्ये. ह्या नॅशनलाइज बँका पूर्वी खाजगी होत्या. टाटा, बिर्ला अशा काही मोठमोठ्या धनाढ्य व्यापाऱ्यांच्या बँका होत्या. पण सन्माननीय कैलासवासी इंदिरा गांधीजींनी ह्या बँकांचं खरं तर नॅशनलायझेशन करून या देशातील प्रत्येक नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. पण आज परिस्थिती फार वाईट आहे देशामधील. आज ह्या सर्व नॅशनलाइज अग्रगण्य बँका ह्या आता काही बँकांमध्ये पुन्हा एकत्रीकरण, विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी एक बिल आता संसदेने मंजूर केलं आहे, स्टँडिंग कमिटीला रेफर केलेलं आहे. पण त्याच्यातून निर्माण होणारा धोका असा आहे की आज प्रत्येक प्रांतामध्ये नॅशनलाइज बँक आहे. मग पंजाबमध्ये पंजाब नॅशनल बँक आहे, महाराष्ट्रामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे, तसंच इतर राज्यामध्ये साऊथमध्ये तिथल्या इंडियन ओव्हरसीज बँक आहे. ह्या सर्व बँका आज इथल्या असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जो कर्ज पुरवठा करतात तो त्या त्या प्रांतातल्या असणाऱ्या तिथल्या शेतकऱ्यांना अत्यंतने तन्मयतेने मनपूर्वक काम करतात. कारण ते त्या क्षेत्रातल्या बँका आहेत, त्यांची त्या क्षेत्राशी काहीतरी अटॅचमेंट आहे. जर आज आपण ह्या सगळ्या बँका एका वेगवेगळ्या बँकेमध्ये विलीनीकरण केलं, उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये सेंट्रल बँकेमध्ये महाराष्ट्र बँक आणि बाकीच्या इतर बँका विलीनीकरण करणार आहेत. मी तुम्हाला सर्व विद्यार्थी मित्रांना आणि मैत्रिणींना पुन्हा या ठिकाणी एकच विनंती करीन की आपण भविष्य आहात देशाचे. भविष्यात आमच्यासारखे आमदार, खासदार, स्पीकर म्हणून तुम्ही ह्या संसदेमध्ये काम कराल, तुमच्या राज्याच्या विधानसभेत काम कराल. पण जेव्हा तुम्ही काम कराल त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये ही भावना असली पाहिजे की ह्या देशाचा शेतकरी हा माझा केंद्रबिंदू आहे, हा माझा आत्मा आहे आणि त्याचं आयुष्य सुखकर करण्यासाठी मी माझे प्रयत्न करीन. तुम्ही ज्या ज्या क्षेत्रात जाल त्या त्या क्षेत्रामध्ये ते काम तुम्ही करू शकता. तुम्ही बँकेत गेला तर बँकेत तुम्ही बँकेचे लीडर व्हा, बँकेचे मोठे डायरेक्टर व्हा. तुम्ही राजकारणात गेलात तर पंतप्रधान व्हा. पण ते तुम्ही झाल्यानंतर मात्र ह्या देशाच्या शेतकऱ्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करा असा संदेश मी तुम्हाला या ठिकाणी देतो. आणि बऱ्याचशा गोष्टींना स्पर्श करायचा होता पण मगाशी बोलल्याप्रमाणे त्यांना बेल वाजवण्याची संधी मला द्यायची नाही आहे म्हणून मी थांबतो. आणि तुम्हा सर्वांना या अधिवेशनानिमित्त शुभेच्छा देतो. पुन्हा इथं असणाऱ्या आयोजकांचे आभार मानतो, सन्माननीय व्यासपीठांचे आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सांगले जी. और इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं.